आज है 17 सितंबर 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत, कनेक्शन पाना होगा आसान। बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत बड़ी खबर है। नए निर्देश के बाद अब बिजली कनेक्शन पाना आसान होगा। कनेक्शन के एस्टीमेट बहाना बनाकर JSDO या XEN बिजली उपभोक्ताओं को टहला नहीं पाएंगे। अमौसी जोन के मुख्य अभियंता रजत जुनेजा ने सभी अधीक्षण और अधिशासी अभियंता को पत्र जारी कर दिया है। इसमें कहा गया कि बिजली लाइन घर से 40 मीटर के भीतर है और ट्रांसफार्मर ओवरलोड नहीं है तो उपभोक्ता को तत्काल बिजली कनेक्शन देना सुनिश्चित किया जाए। BHU में मरीज खुद कर सकेंगे BP की जांच, 5 मिनट में मिल जाएगी रिपोर्ट। BHU अस्पताल में आने वाले मरीजों को OPD, इमरजेंसी सहित अन्य जगहों पर ब्लड प्रेशर की जांच के लिए अब इंतजार नहीं करना होगा। इसके लिए OPD सहित अन्य जगहों पर ऑटोमेटिक जांच मशीन लगवाई जाएगी। मरीज खुद अपनी जांच कर सकेंगे और अधिकतम 5 मिनट में ही उनको रिपोर्ट मिल जाएगी। हृदय रोग विभाग की OPD से इसकी शुरुआत हो गई है। ट्रेन की तरह अब रोडवेज बसेस की भी लाइव लोकेशन मिलेगी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम डिजिटल के क्षेत्र में एक और कदम आगे बढ़ाने जा रहा है। इस बार ट्रेन की तर्ज पर बसेस की लोकेशन बताने वाला मार्गदर्शी ऐप तैयार किया है। इस ऐप को यात्री अपने मोबाइल फोन पर गूगल प्ले से डाउनलोड करके बसेस के चालक को घर बैठे पता कर सकते हैं। इसके लिए बस नंबर डालना होगा। यात्री बस में ऑनलाइन सीट भी ऐप से बुक करा सकते हैं। वहीं बस कंडक्टर की ETM मशीन से टिकट कटते ही ब्यौरा क्षेत्रीय कमांड सेंटर पहुंच जाएगा। CM बोले, लव जिहाद ईव टीजिंग होने पर सिपाही से CO तक होंगे जवाबदेह। लव जिहाद ईव टीजिंग और चेन स्नेचिंग की घटना होने पर बीच सिपाही से लेकर DSP तक की जवाबदेही तय की जाएगी। अपने सरकारी आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानून व्यवस्था त्यौहार विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान चेताया कि शासन स्तर पर रोजाना हर जिले की समीक्षा हो रही है। हर अधिकारी की गतिविधि की भी सीधी निगरानी हो रही है। चीन मंगा रहा खाली शिपिंग कंटेनर, कानपुर के 500 करोड़ के निर्यात ऑर्डर रुकी। कानपुर के निर्यातकों के सामने चीन ने समस्या खड़ी कर दी है। चीन की कंपनीज की ओर से खाली कंटेनर्स की भारी मांग के चलते कानपुर समेत देश भर के निर्यातकों के सामने संकट खड़ा हो गया। चीन की मांग के चलते शिपिंग कंपनीज ने भाड़ा बढ़ाकर $1200 प्रति कंटेनर से बढ़ाकर 2800 से 3000 कर दिया है। इससे लागत बढ़ गई है जबकि विदेशी खरीदार पहले के दाम पर ही माल मंगा रहे हैं। बिजली कंपनीज में असिस्टेंट इंजीनियर पद के लिए अब अलग से परीक्षा नहीं, इस आधार पर होगी भर्ती। सेतु निगम के बाद अब उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन ने भी तय किया है कि निगम और सहयोगी संस्थाओं में सहायक अभियंताओं की भर्ती सीधे गेट में अभ्यर्थियों को मिले अंकों के आधार पर की जाएगी। गेट मेरिट के आधार पर भर्ती करने वाली अन्य संस्थाओं की तरह यहाँ भी भर्ती के लिए अलग से कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, पालतू जानवर रखने वाले हो जाइए सावधान, प्राधिकरण कर सकता है कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा से पालतू जानवरों को रखने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। प्राधिकरण ने अपनी पालतू नीति को संशोधित करते हुए एक आदेश जारी किया है जिसे इस वर्ष जून में बोर्ड की बैठक में पारित किया गया था। नीति में निवासियों को निर्देश दिए गए कि यदि वे अपने पालतू जानवरों के साथ हैं तो वे सर्विस लिफ्ट का उपयोग करें। वे निवासियों के लिफ्ट का उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके साथ इसका उपयोग करने वालों को कोई आपत्ति न हो। एयरपोर्ट की तर्ज पर 4 रेलवे स्टेशन पर मिलेगी लगेज ट्रॉली की सुविधा। प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज चिपकी और अलीगढ़ जंक्शन पर यात्रियों को अब एयरपोर्ट की तर्ज पर लगेज ट्रॉली की सुविधा मिलेगी। इन स्टेशन पर यात्री सुविधा केंद्र का संचालन इसी माह शुरू हो जाएगा। इसकी शुरुआत सबसे पहले प्रयागराज जंक्शन में होगी। पिछले दिनों ही तय हुआ था कि उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल के 19 रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधा केंद्र खोले जाएंगे। फिलहाल प्रयागराज जंक्शन समेत 4 स्टेशन पर इसी माह यात्री सुविधा केंद्र खोले जा रहे हैं। 1 अक्टूबर से योगी सरकार करेगी मोटे अनाज की खरीद, रजिस्ट्रेशन जरूरी। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2024-25 के लिए मोटे अनाजों की खरीद 1 अक्टूबर से प्रारंभ होगी और 31 दिसंबर तक चलेगी। मोटे अनाज में शामिल मक्का, बाजरा, ज्वार की खरीद के लिए किसानों को fcs.up.gov.in या ऐप यूपी किसान मित्र पर पंजीकरण नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। खरीद पंजीकृत किसानों से की जाएगी। किसान अपनी किसी भी समस्या के लिए टोल फ्री नंबर 1800-1800-150 से मदद ले सकते हैं। बाढ़ से यूपी में जनता त्रस्त, सरकार और अधिकारी मस्त, अखिलेश बोले नहीं मिल रही मदद।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य सरकार पर बाढ़ से गिरे सैकड़ों गांव के लोगों की परेशानियों के प्रति लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए सोमवार को कहा कि जनता बेहाल है और सरकार अपने कार्यों में मस्त है। अखिलेश ने यहां एक बयान में कहा कि प्रदेश के दर्जनों जिलों के सैकड़ों गांव बाढ़ और भारी बरसात से प्रभावित हैं और जनजीवन तबाह है। नया जिला बनने की अटकलों को लगा विराम, शासन ने कहा ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं। यूपी में नया जिला बनने की अटकलों को विराम लग गया है। शासन ने कहा है कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। पिछले दिनों राजस्व परिषद के आयुक्त और सचिव ने गोरखपुर के डीएम से कमिश्नर के जरिए इस संबंध में आख्या मांगी थी कि राजस्व परिषद के अध्यक्ष अनिल कुमार का कहना है कि सामान्य प्रक्रिया के तहत जिलों से रायशुमारी के लिए पत्र जारी हुआ है। अब यूपी और प्रयागराज के इतिहास का अध्ययन करेंगे छात्र। उत्तर प्रदेश के राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के मौजूदा शैक्षिक सत्र में पाठ्यक्रम अपडेट किए जा रहे हैं। वर्तमान सत्र में विद्यार्थियों को संशोधित अध्ययन सामग्री मिलेगी। इसमें छात्रों को उत्तर प्रदेश और प्रयागराज से जुड़े इतिहास भी पढ़ने को मिलेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन 30% अपना खुद का पाठ्यक्रम तैयार कर रहा है, वहीं 70% पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुरूप कॉमन होगा। सीएम योगी बोले मानवता का कैंसर है पाकिस्तान, बिना ऑपरेशन इलाज संभव नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पाकिस्तान मानवता का कैंसर है जो पूरी दुनिया के लिए नासूर बन चुका है। आजादी के समय का कांग्रेस नेतृत्व और जोगिंद्रनाथ मंडल अगर मिलकर मुस्लिम लीग की साजिश को विफल कर देते हैं तो ये नासूर अस्तित्व में नहीं होता। उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान का ऑपरेशन नहीं होगा तब तक इलाज संभव नहीं है। पाकिस्तान का उपचार शुरू हो चुका है, अब पाक अधिकृत कश्मीर के लोग भारत में शामिल होना चाहते हैं। कानपुर के लोगों के लिए खुशखबरी, 150 करोड़ की लागत से पीडब्ल्यूडी बनाएगा 60 सड़कें। जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों की खस्ता हालत जल्द सुधरेगी। लोक निर्माण विभाग लगभग 150 करोड़ रुपए के बजट से 60 सड़कों का निर्माण व मरम्मत का कार्य करेगा। साथ ही सीएम ग्रिड की तरह ही ठेकेदार 5 साल तक रखरखाव की जिम्मेदारी निभाएंगे। राज्य सरकार ने सड़कों की दुर्दशा को सुधारने के लिए नियमों में बदलाव किया है। 26-27 अक्टूबर को हो सकती है यूपीपीएससी पीसीएस प्री परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन 26 और 27 अक्टूबर को कराई जा सकती है। आयोग के सचिव अशोक कुमार की ओर से सभी जिलाधिकारियों को 27 अक्टूबर को परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों की सहमति उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई, लेकिन अब तक आवेदन करने वाली 5,76,154 अभ्यर्थियों के लिए अपेक्षित संख्या में केंद्रों की सहमति नहीं मिल सकी। मुरादाबाद में रामगंगा और कोसी नदी का कहर, बाढ़ से गिरे 50 से ज्यादा गांव, सड़कों घरों स्कूल में पानी। यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा और कोसी के कहर से 50 से ज्यादा गांव में दुश्वारियां बरकरार हैं। कोसी का जलस्तर घटने से कुछ राहत ये मिली कि बरेली मुरादाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग से पानी उतर गया, गांव के पहुंच वाले रास्ते डूबे हुए हैं। खेतों में कड़ी फसलें चौपट हो गई, खेत पानी से लबालब दिख रही हैं। कुछ गांव में तो घरों तक पानी घुस गया, स्कूल में भी जलभराव से मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिले की नवगागा डीएम निधि गुप्ता वत्स ने संभाला चार्ज, कहा लोगों तक सरकारी सुविधा पहुंचाना प्राथमिकता। बरेली नगर निगम के नगर आयुक्त पद से तबादला होकर आई नवागत डीएम निधि गुप्ता वत्स ने रविवार को अमरोहा कलेक्ट्रेट पहुंचकर पदभार संभाल लिया। चार्ज लेने के साथ ही उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं से आमजन को लाभान्वित करना उनकी प्राथमिकता में रहेगा। महाकुंभ पर शहर के स्टेशन पर तैनात रहेंगे स्निफर डॉग, बम निरोधी दस्ता भी रहेगा तैनात। शहर में अगले वर्ष होने वाले महाकुंभ के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी वजह से उत्तर मध्य रेलवे प्रशासन ने प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज छिपकी, नैनी, सुबेदारगंज आदि रेलवे स्टेशन पर स्नीफर डॉग तैनात करने की तैयारी की। इन खोजी कुत्तों का प्रशिक्षण आरपीएफ ने शुरू कर दिया। इन तमाम स्टेशन पर 22 स्नीफर डॉग तैनात किए जाने की तैयारी है। भारतीय हॉकी टीम ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से दी मात, खिताबी मुकाबले में चीन से होगा सामना। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए दक्षिण कोरिया को सेमीफाइनल में 4-1 से हराकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जगह बना ली। भारत का फाइनल में सामना चीन से होगा, जिसने एक अन्य सेमीफाइनल मैच में पाकिस्तान को हराकर पहली बार खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया है। पेरिस ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया और अजय बनी हुई है। लखनऊ में अकबर नगर के बाद अब इस बस्ती पर चलेगा बुलडोजर, एक्शन में छावनी परिषद।
राजधानी लखनऊ में बुलडोजर एक्शन जारी है। अकबरनगर के बाद अब रानी लक्ष्मीबाई मार्ग पर करीब 0.247 एकड़ में बनी बस्ती पर जल्दी ही छावनी परिषद का बुलडोजर चलेगा। इसके लिए तैयारी की जा रही है। ये बस्ती करीब 20 वर्ष पहले बनी थी, छावनी परिषद में आती है। अलीगढ़ कानपुर में मूक अपहरण में ठहराव, हाथरस के यात्रियों को मिलेगी राहत। हाथरस जंक्शन स्टेशन पर रुकने वाली अलीगढ़ कानपुर मेमू के बरहन स्टेशन पर ठहराव से हाथरस में होने वालों को राहत मिली है। जिले से सड़क परिवहन के जरिए एतमादपुर व बरहन जाने में होने वाली परेशानी से राहत मिल रही है। अलीगढ़ से कानपुर के बीच चलने वाली ट्रेन संख्या 04189/90 फास्ट मेमू का हाथरस जंक्शन स्टेशन पर ठहराव है। अब इस ट्रेन का ठहराव आगरा के बहरन जंक्शन स्टेशन पर भी कर दिया गया। इससे हाथरस से बरहन आने जाने वाले यात्रियों को राहत मिली। यूपी जन समस्याओं के तेजी से निपटारे में अव्वल, लंबे शिकायतों के मामले में आई तेजी। आम लोगों की शिकायतों व समस्याओं का समाधान तेजी से कराने में यूपी पूरे देश में अव्वल है। खास बात यह है कि लंबे शिकायतों का बोझ भी कम होता जा रहा है। देश भर में यूपी लंबे शिकायतों के मामले में जहां पहले तीसरे नंबर पर था, अब लंबी शिकायतें घटने के कारण राज्य की स्थिति 5वें नंबर पर आ गई है। केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल के मुताबिक यूपी ने इस साल जुलाई में सबसे ज्यादा 26,661 शिकायतों का समाधान कर दिया है। नोएडा ग्रेटर नोएडा ने धड़ाधड़ सील होंगी बिल्डर्स की प्रॉपर्टीज। नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों ने उन बिल्डर्स के खिलाफ पुलिस कार्रवाई शुरू करने और उनकी संपत्ति जब्त करने का फैसला किया है, जिन्होंने प्राधिकरणों को अपना बकाया चुकाने के लिए एमनेस्टी स्कीम यानी माफी योजना का लाभ नहीं उठाया। अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विकास प्राधिकरणों ने डेवलपर्स को 31 अगस्त तक अपने बकाए का 25% चुकाने और कुछ लाभों के साथ अतिरिक्त किसान मुआवजे के लिए भुगतान करने का समय दिया था। आगरा में स्वाइन फ्लू की पहली महिला मरीज मिली, अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग। आगरा में स्वाइन फ्लू का पहला मामला सामने आया। मुजफ्फरनगर की रहने वाली 55 साल की महिला में संक्रमण की पुष्टि हुई। वो बेटी के यहाँ सिकंदरा इलाके में आई हुई थी। करीब 5 दिनों से तेज बुखार के बाद निजी पैथोलॉजी में उसने जब टेस्ट कराया वो पॉजिटिव पाई गई, लिहाजा उसे ग्लोबल हॉस्पिटल से SN मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया। SBI में 1497 पदों पर भर्ती, 90,000 से ज्यादा सैलरी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1400 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकली है। उम्मीदवार SBI.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में न्यूनतम 50% के साथ बीटेक या BE डिग्रीधारी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।